स्वागत है आपका आज की चाय पे। खुशी विवेक चौधरी जो हैं वो बहुत फेमस यूट्यूबर्स थे, जो पहले टिकटॉक वीडियोस बनाते थे एंड देन इवेंचुअली सबको पता ही है फैमिली व्लॉग्स बनाने लग गए, अच्छे खासे उनके व्लॉग्स चलते थे। एक दिन सबके सब गायब हो गए, ना इंस्टा पे कोई अपडेट ना यूट्यूब पे। एक रिकॉर्डिंग है जो हाल ही में सरफेस हो रही है, सुनिएगा एंड उसके बाद मैं आपको दोनों तरफ की बातें बताऊंगी जो मेरे कॉग्निजेंस में आई है। पहले रिकॉर्डिंग सुन लेते हैं जो कि करण दत्ता एक यूट्यूबर हैं, उन्होंने अपने चैनल पे अपलोड की थी। अब तो प्यार प्यार से समझा रहा तुझे मैं। विवेक के जो फादर इन लॉ है वो कह रहे हैं खुशी को ऑन कॉल कि मैं अभी प्यार प्यार से तुम्हें समझा रहा हूँ। पापा मार दो, मुझे मार दो, मैं मारने के लिए नहीं बता रहा हूँ। खुशी कह रही है कि आप मुझे मार दीजिए और उसने आगे रिकॉर्डिंग में ये भी कहा है कि आप तो मारने के लिए कह रहे थे ना, तो हो सकता है खुशी को उनके फादर इन लॉ और हस्बैंड ने मारने की धमकी भी दी है। बोला ना कि मैं तो मर्डर भी कर सकती हूँ। भद्दी सी गाली देते हुए विवेक जो है वो बैकग्राउंड में अपना गुस्सा दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि इसको बोलो वो रहने दे, इनको ये देखो इनको बोलो गाली मत दो। मेरी बात सुन। मैं ऐसे में खुशी अपने फादर इन लॉ को बोल रही है कि विवेक को बोलिए गाली ना दे, वो मुझे राजा चाहिए मुझे। मेरी बात सुन, राजा चाहिए क्या? राजा चाहिए मुझे। बस यही बात थी कि खुशी ने कहा कि मुझे मेरा बेटा चाहिए और इस बात पे उसके फादर इन लॉ भड़क गए, उसके साथ गाली गलौज करने लग गए जो बेहद गलत थी। तो पहले भी तुमने सुना किसी से राजा लेगी तो अपने साथ? वो कह रहे हैं कि पहले भी तुमने कहा था तुम राजा ले जाओगी। आगे भी वो ऐसे ही कुछ कह रहे हैं कि क्या पहले तुम ले जा सकी थी अपने साथ जो अब ले जा सकोगी राजा को अपने साथ? उल्टी सीधी सुनेगी। आप ही गाड़ी में बैठे थे। तू मेरी बात सुन तो कोर्ट से ले लिए, हम भी देखेंगे। उन्होंने आगे कहा है कि लीगल कस्टडी कोर्ट से ले लेना, हम तब देख लेंगे। उनके जवाब से, उनके टोन से, लहजे से ऐसा ही लगता है कि शायद वो नहीं चाहते हैं कि खुशी को राजा की कस्टडी मिले और उन्होंने यही कहा कि देख लेंगे तो हो सकता है कुछ सबूत ऐसे पेश करें जिससे माँ को कस्टडी ना मिले, जो कि बहुत कम होता है। ठीक है पापा जी, ठीक है। नहीं आपके सामने है, खुशी ने रिस्पेक्ट नहीं भूली और अपने ससुर के सामने अपनी आवाज तेज नहीं करी। आखिर में बिना आवाज ऊंची करे उसने कहा ठीक है पापा जी, वहां भी वो पापा जी कह रही है जबकि उसके ससुर उसे सरेआम इतनी गालियां दे रहे हैं। बात कुछ भी हो, एक औरत को गाली देना मैं जस्टिफाई नहीं करती, उसके ससुर हो या उसके हस्बैंड, वो ना ही तो अपनी बहू को गाली दे सकते हैं ना एक पति अपनी बीवी को गाली दे सकता है। अगर मियां बीवी में कुछ हो गया है तो बेस्ट होता है सेपरेशन, ये नहीं कि एक दूसरे को मारो पीटो गाली गलौज करो। जब आप अलग हो ही गए हो तो शांति पूर्वक अलग हो जाओ, तब जब आप लोगों के बीच में एक बच्चा है। खुशी की आवाज हालांकि इतने गुस्से में नहीं है पर फादर इन लॉ जो है खुशी के और विवेक वो दोनों ही बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहे हैं। नाउ मैं दोनों तरफ की कहानी आपके सामने रखती हूँ। कुछ लोगों के हिसाब से खुशी इनोसेंट है, वही है जिसने विवेक को पकड़ा था होटल में किसी के साथ अलेजेडली। ये बात पक्की नहीं है क्योंकि ये इंस्टा पे कमेंट्स थे उन्हीं के प्रोफाइल पे जो आज तक डिलीट नहीं हुए हैं। इंस्टा प्रोफाइल्स आज भी खुशी विवेक चौधरी की है पर उनका यूट्यूब चैनल जो है वो डिलीट हो चुका है और वो क्यों हुआ मुझे नहीं पता पर मुझे ऐसा लगता है शायद दोनों के बीच में एक केस चल रहा है बच्चे की कस्टडी को लेके और कोई सबूत बाहर ना जाए कि यूनो कैसा बिहेवियर था विवेक का खुशी के साथ या खुशी का विवेक के साथ, तो इन दोनों में से किसी एक ने अपना चैनल डिसेबल कर दिया है। अच्छा ये बात ना एक तरफा है, बहुत पहले मुझे कुछ स्क्रीनशॉट्स भेजे गए थे जो कि मैंने सामने नहीं रखे, यही सोच के कि फैमिली है हो सकता है सब कुछ ठीक हो जाए। जिस दिन से इनका चैनल हटा और रिकॉर्डिंग वायरल हुई उस दिन से मुझे लगा कि दूसरी तरफ की कहानी भी मुझे सामने रखनी चाहिए, बाकी जनता फैसला करेगी कौन सही कौन गलत, क्योंकि जरूरी नहीं है कि दोनों ही तरफ की कहानी जो बाहर निकल के आ रही है वो सच्ची हो। बट ये बात जो है ये बहुत पहले ही मेरे कॉग्निजेंस में आ चुकी थी। एक्चुअली किसी ने एक सोशल मीडिया वेबसाइट पे कमेंट किया था कि वो मैनेजर को जानते हैं विवेक के और विवेक और जो उनके मैनेजर है वो एक होटल पहुंचे, वहां पे उनको खुशी मिली थी किसी और के साथ। जहां विवेक के लिए कुछ लोगों ने कमेंट करा है वही दूसरी ओर ऐसी ही कहानी खुशी के लिए भी सर्कुलेट हो रही है कि खुशी का किसी के साथ अफेयर था और हो सकता है, अगेन मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ इस बारे में, मैं वेरीफाई नहीं कर सकती, बट जिन्होंने कमेंट करा उन्होंने कहा है कि मैनेजर के थ्रू पता लगा है कि पर्ल वी पूरी वो हैं जिनके साथ बहुत टाइम से कोलैबोरेशन कर करके फिर एक टाइम के बाद खुशी और पर्ल की दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि यू नो इवेंचुअली या थिंग्स गॉट मेस्ड अप। अब वो कैसे आप समझ जाइए, लोग यही सोच रहे हैं कि शायद विवेक हो सकता है जिसने खुशी को धोखा दिया हो, वहीं जो मेरे सामने स्क्रीनशॉट्स आए हैं उससे ऐसा लग रहा है कि खुशी हो सकती है। बट क्या कुछ भी जस्टिफाई करता है गाली देना? चाहे माँ बाप अलग हो जाए बच्चे पे से, दोनों का हक कभी खत्म नहीं होता और दोनों का इक्वल राइट होता है उसकी परवरिश करने का। फॉर द सेक ऑफ देयर किड
उनके बेटे राजा के लिए उन दोनों को समझना चाहिए कि वो बिना एक दूसरे पे कीचड़ उछाले सेपरेट हो जाएं। जहाँ तक कस्टडी की बात है, आप लोगों ने एग्जांपल देखा होगा रणवीर और कोंकणा का। रणवीर ने कहा है कि इक्वली बच्चा रहता है दोनों तरफ, हालांकि उससे बच्चे की मेंटल हेल्थ अच्छी खासी खराब हो जाती है, बट फिर भी मैं कहूंगी अगर खुशी खुशी माँ बाप दोनों तरफ रख रहे हैं तो यकीन मानिए एक कलेशी घर में बच्चे का रहने से अच्छा है कि वो दो अलग घर में रहे और हर वीक वो एक घर में रहे, फिर दूसरे, फिर तीसरे, यही सेटअप होता है। अगर माँ बाप में से किसी को भी काम होता है तो फिर दोनों में से एक के यहाँ पे बच्चा रहता है ड्यूरिंग ऑल ऑफ दिस सेपरेशन एंड ऑल। बात कहूंगी हॉलीवुड में एक कॉन्सेप्ट आया था ओपन मैरिज का, और वही थिंकिंग है जो आज बॉलीवुड में रोल ओवर हो गई है, विच आई थिंक इज एब्सोल्युटली पैथेटिक। रिलेशनशिप को हल्के में लिया हुआ है, वो शादी में होते हुए भी अपने पार्टनर से दगा करते हैं और इस बात को जस्टिफाई करते हैं। ओपन मैरिज का नाम देखे आप बेवफाई को कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं, मुझे समझ नहीं आता। जहाँ पे ओपन मैरिज नहीं है वहाँ पे सीधा सीधा धोखा दिया जाता है एक दूसरे को, और सोशल मीडिया कितना झूठा है इस बात से आपको समझ में आ रहा होगा कि जो लोग मैडली इन लव लगते हैं ना कि भैया ओ हो इनको तो कोई अलग कर ही नहीं सकता, अगली डाइवोर्स और सेपरेशन उन्ही लोगों का होता है। और आप लोग देख रहे होंगे अरमान मलिक जैसे घटिया व्लॉगर्स इस बात के मजे भी ले रहे हैं कि देखो ये दोनों हमें बोलते थे कि दो नहीं संभाल सकते, ये तो एक नहीं संभाल पाया। डिफरेंसेस बहुत सारे कपल्स में आजकल हो रहे हैं, डाइवोर्स भी हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उस बात का मजाक बनाया जाए, हंसी उड़ाई जाए। सेपरेशन का कारण बेवफाई है, दोनों में से कोई एक तो है जिसने बेवफाई करी, कम से कम किसी की तो गैरत जगी जो सामने आके सेपरेट हो रहा है या हो रही है। मुझे नहीं पता खुशी या विवेक, बट कोई तो है इन दोनों में से जो गैरतमंद है, अनलाइक मिस्टर अरमान मलिक, कृतिका एंड पायल मलिक। अरमान अपने आप को कितना महान समझता है कि मैंने दो दो संभाली हुई है, बिग बॉस में साफ दिखा कि पायल तो उसके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती, इनविजिबल थी पायल उसके लिए इन द शो। और अब तो पायल ने नाटक भी कर दिया अपना शुरू, जिसके लिए मैं एक नेक्स्ट पॉडकास्ट अपलोड कर रही हूँ कि वो डाइवोर्स ले रही है, बट मुझे पता है उसमें इतनी गहरत ही नहीं है कि वो डाइवोर्स ले। अल्टीमेटली पायल, अरमान और कृतिका तीन लोगों वाली शादी को इनकैश करते हैं यूट्यूब पे घटिया पॉलीगैमी कॉन्सेप्ट दिखा के। और जिस दिन इनका ये बिगैरतों वाला शादी का सेटअप पॉलीगैमी वाला डिसॉल्व हो गया, ट्रस्ट मी पायल अरमान कृतिका जितनी शॉपिंगों पे जाते हैं ना आए दिन, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा और ये लोग सड़क पे आ जाएंगे। खैर आज के लिए इतना ही, अभी भी यही मैं प्रे करती हूँ कि खुशी और विवेक साथ आ जाएं वापस, और जो भी इन दोनों के बीच में हुआ है वो रिजॉल्व हो जाए, या फिर अगर ये सेपरेशन के लिए ऑप्ट कर चुके हैं पीसफुली इनका सेपरेशन हो जाए जस्ट फॉर द सेक ऑफ देयर किड। आज के लिए इतना ही, फरी बच्चों को खाना खिलाते रहे जिसमें कैट्स डॉग्स गौमाता बर्ड्स सब आते हैं। अपने घर पे आने वाले हर व्यक्ति को जो पैकेज देने आता है या कोरियर देने आता है उन्हें पानी का ग्लास जरूर पूछेगा, पर अपनी सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए। लास्ट बट नॉट एट ऑल द लीस्ट, गुरु पूर्णिमा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।